कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और ओलंपियन हसन सरदार भी मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक। कराची के अमरीकी कौंसल खाने के इश्तराक से जारी अपने वीडियो पैगाम में हसन सरदार ने रीसाइकिलिंग के फवायद से आगाह किया। अमरीकी कौंसल खाना कराची में अमरीकी और पाकिस्तानी साथियों के साथ आपको रीसाइकिलिंग के फवायद पर आगाही फराहम कर रहा हूँ। क्या आपको मालूम है कि प्लास्टिक की 10 बोतलें रीसाइकिल करने से हासिल शुदा तवनाई एक लैपटॉप को 25 घंटे तक चला सकती है। एक टन कागज़ को रीसाइकिल करने से 322 गैलन पेट्रोल इस्तेमाल करने के बराबर तवनाई की बचत हो सकती है। एक टन एल्यूमिनियम के डब्बों को रीसाइकिल करने से 21 बैरल के बराबर की तेल की बचत होती है। रीसाइकिलिंग से माहौलियाती आलूदगी कम होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकती है। रीसाइकिलिंग से तवानाई की बचत होती है। रीसाइकिलिंग कुदरती वसाइल को महफूज करती है और जंगली हयात को तहफ़ देती है। तो आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बनाने के लिए रीसाइकिलिंग को